अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय श्री अकाल। मेरा ये स्टेटमेंट जो है बीजेपी सांसद दिया कुमारी जी ने जो कल स्टेटमेंट दिया था ताजमहल के लेकर के, वो प्रॉपर्टी जो है ताजमहल बनने से पहले वो प्रॉपर्टी उनके अस्तित्व पैलेस था रॉयल जयपुर रॉयल फैमिली का, और वहां पर शाहजहां ने इससे कब्जा किया और जो है वो प्रॉपर्टी उनका उनका हर्जाना भी नहीं दिया बोलकर। तो सबसे पहले मैं दिया कुमारी जी से कहूंगा कि आप पहले हिस्ट्री पढ़ लीजिए, क्योंकि शाहजहां आपके मौसा है, क्योंकि शाहजहां की जो वाइफ है सेकंड वाइफ मनवती दीजी लालबाई 1611 में उनकी जो है शादी हुई शाहजहां से, और शाहजहां के वालदा जो है वो भी राजपूत आप ही के घराने के जोधबाई, शाहजहां के दादी वो भी जो है अकबर आजम की बीवी अरकाबाई वो भी आप ही के घराने, तो हिसाब से मौसा होना मौसी है आपके। और जहां तक रहा सवाल आपने कहा कि कब्जा किए, तो मुगलों को कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुगलों की सल्तनत जो है हिंदुस्तान पूरा उन्हीं का था, बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल ये तकरीबन तरीबन मुगलों की टेरिटरी थी। और जहां तक कुछ पैलेसेस राजपूत के जो घराने थे, क्योंकि उनकी शादी मुगल उनके दामाद बने थे मुगल बादशाहें, तो उन्होंने एक गिफ्ट किए थे जो हर दामाद को जो है अपनी बेटी को लोग देते, जैसे आपने भी अपनी बेटी को दिए होंगे कुछ ना कुछ, तो कब्जा नहीं होता। और जहां तक ताजमहल का सवाल है, ताजमहल की जमीन का, तो आपका ये बुनियाद जो है आपका जो बयान है वो बेबुनियाद है। आपको मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आपके पास कोई पोतीनामा में कोई दस्तावेज नहीं है, आप एक हवा में तीर मार दिए के दस्तावेज है बोलकर। आप वाकई अगर राजपूत घराने का ब्लड है आप में जरे से भी अगर बाकी है आपके पास कि आपकी बात पे जो राजपूत की जबान पक्की होती, तो आप वो दस्तावेज पेश कीजिए, मैं आपको जिंदगी भर आपके पास आपको मानने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई दस्तावेज आपके पास है ना आपके खानदान में है। जहां तक रहा सवाल, आपने कहा कि इतने साल जो है मुगल सल्तनत 340 साल तक जो है मुगल सल्तनत जो है वहां पर हिंदुस्तान पे राज किए अकबर आजम, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर की जो बीवी थे वो भी आपके घराने के पुत्र थे। जब आपको याद नहीं आया कि आपके जो है दस्तावेज आपके पास है ताजमहल की जो प्रॉपर जयपुर बनने से पहले वहां पैलेस था आपका, फिर आप जो है अठारह सत्तावन में जो है बीजेपी गवर्नमेंट मुगल सल्तनत जो है खत्म हो गई, इस बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट चालू हुई, आप फिर मुगल सल्तनत की गोदी से निकल कर आया कि आप लोग जो है जब हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था आप जाके जो है आपका खानदान जो है ब्रिटिश की गोदी में बैठ गया। जब आपको याद नहीं आया वहां पर, आप जो है हिंदुस्तान आजाद होके ब्रिटिश की गवर्नमेंट के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ इतने साल हो गए आपको याद नहीं आया कि आपके मौसा मौसी मनवती बाई जी जो है आपके खानदान आपको ख्वाब में आके बोले थे। तो ये बेबुनियाद का जो है स्टेटमेंट है, बेबुनियाद है, अच्छी पब्लिसिटी के लिए जो है रोकी है। और मैं दिया कुमारी से कहूंगा कि आपने इस बयान को देकर अपनी हंसी आप मजाक सारे हिंदुस्तान में राजपूत घराने को एक शाही खानदान को आप बदनाम किए, क्योंकि मैं मेरा हिंदुस्तान मुगलों में जो है 27 में से 14 रानियां जो है महाराज जो क्वींस थे वो राजपूत थे, तो मेरा ननियाल भी है, तो मेरे ननियाल के हिसाब से आप भी मेरी रिश्तेदारी छोना, क्योंकि मैं आपके जो है दामाद जी का आपके दामाद जो हमारे घराने में जो मुगल सल्तनत है उनके जो है पूरे परंपरा में ननियाल है, तो उस हिसाब से आप तमाम राजपूत घरानों को, क्योंकि राजपूत एक जबान का पक्का होता है एक बहुत रॉयल फैमिली है, तो तमाम राजपूतों को बदनाम मत कीजिए। और इस तरह के छिछोरे जैसे मोदी जी कहे कि उनकी पार्टी में कुछ बरबुले हैं, तो ये सही कहे थे कि ये भी आप भी एक बरबुली है। हिंदुस्तान के तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि ऐसे चीप पब्लिसिटी गेन करने वालों के लिए बात को तवज्जो ना दें, कि एक हिंदू और मुसलमानों की कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करना इनके दिमागों में है। और दूसरी चीज, एक बीजेपी के सांसद बीजेपी के प्रभारी जो है एक पीआईएल दाखिल किए कोर्ट के अंदर के 22 दरवाजे खोलो उसके अंदर बोलकर, तो उनसे भी मैं कहूंगा, क्योंकि अकबर आजम ने अमृतसर की जमीन गोल्डन टेम्पल को डोनेट किए थे, कल आप बोलेंगे वहां पे भी खोलो तो गुरुद्वारा खोद के निकालो, उसके बाद चर्च बॉम्बे के चर्च को बोलेंगे, इसके बाद फिर आप जो है गोवा के चर्च, तो आपको जो है संसद बना आपको जो है प्रभारी बनाया जाके आप जो है जाके आप जो है देश के बारे में बोले विकास के बारे में बोले, ये छिचोरे पने के जो है हिंदू मुसलमानों की जो है बयान देकर जो है आप कॉन्ट्रोवर्सी करा रहे हैं। तो तमाम जो है फिर बार अपील करूंगा कि तमाम हिंदुस्तान मुसलमान हिंदू भाइयों से कि ऐसे छिछोरे बरबुलों की बातों पे आप ध्यान ना दीजिए। और जहां तक दिया कुमारी से करूंगा कि आपको मैं ओपन चैलेंज किया हूं, अगर वाकई में आप राजपूत घराने का ब्लड है आप एक खतरा भी है जैसा मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, तो आप वो दस्तावेज पेश कीजिए। मैं जब मानता हूं आपके पास कोई दस्तावेज ना पोतीनामा में है ना कहीं पर है आपके पास, एक हवा में तीर मार दिया आप,
और पब्लिसिटी गेन करने के चक्कर में गए। ऐसी चीप पब्लिसिटी के लिए मत कीजिए आप, और ऐसे चुचोरे करके तमाम राजपूत घराने को और मुगल खानदान को बदनाम कीजिए। मौसा और आपकी मौसी को भी बदनाम मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय सत श्री अकाल।